तो गाइस मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। घर के पीछे आंगन में जो एक तहखाना था उसको कपल समझ रहा था कि एकदम बेकार और खाली है, पर जब उसको खोल के देखा तब उनके उड़ गए होश। तो चलिए जानते हैं उस तहखाने में क्या था, जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा अभी इसके बारे में चर्चा चल रही है और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और काफी पुराना है वो और बहुत सारी चीजें उसमें मिली है, तो आपको जान के भी काफी ज्यादा हैरानी होगी। तो मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। कभी कभार हम लोग जिस चीज के बारे में सोचते हैं कि ये बेकार है, पर वही चीज हमारे लिए लाखों की चीज बन जाती है और हम लोगों को उसकी कीमत के बारे में पता नहीं होता। वैसे इंसानों में भी ये चीज होती है, अगर इंसान एक दूसरे के साथ रहते होते हैं तो उस वक्त एक्चुअली उस शख्स की उनको कीमत पता नहीं होती है और जब वो दूर चले जाते हैं तब उनका एहसास पता चलता है कि वो कितने ज्यादा कीमती थे, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारी लाइफ के लिए। पर ऐसे आज हम लोग एक्चुअली ऐसी बात कर रहे हैं जो कि घर के पीछे एक तहखाना है, उस तहखाने को एक्चुअली एक कपल ने खोला, एक कपल खोला ही नहीं है, इस घर को एक्चुअली उस कपल ने 1999 में लिया था और जिससे लिया था उसका बोलना ये था कि ये जो घर है वो एक्चुअली 1960 में बना था और वो काफी ज्यादा अच्छा घर था और काफी ज्यादा खुला घर था, तो उसी के साथ उन्होंने खरीद लिया और खरीदने के बाद उसके पीछे उसने बताया था कि एक तहखाना है। जिस तहखाने को बताया था उस कपल को भी इसके बारे में पता था, पर कुछ साल बीतने के बाद भी उन्होंने उस तहखाने में जाने की कभी भी सोचा भी नहीं। तो एक दिन एक्चुअली ऐसा आया तो उन्होंने सोचा कि एक्चुअली हम लोग उस तहखाने को देखे तो सही कि उसमें हो क्या सकता है। वैसे तो उनको लग रहा था कि वो एकदम खाली है, पर ये जब उन्होंने उस तहखाने को खोला और जब वो अंदर गए तब वो वहां पर जो चीजें पड़ी थी उसको देखे काफी ज्यादा हैरान रह गए। वहां पर बहुत ही ज्यादा ढेरों खाना पड़ा हुआ था और बहुत ही ज्यादा गोला बारूद था और वहां पर बोर्ड लगे हुए थे और वहां पर बॉक्सेस रखे हुए थे जिसमें काफी ज्यादा बारूद पड़ा हुआ था और उसके ऊपर डेंजर का निशान भी बना हुआ था। और इस चीज के बारे में जब वहां की निजी पुलिस वालों को बताया गया और वहां पर जो लोग रिसर्च करते हैं उन लोगों को इसके बारे में बताया गया, तब उन लोगों ने ये चीज बताई कि एक्चुअली पिछले टाइम पे वार वगैरह बहुत ज्यादा होते थे और उस टाइम पे लोग अपने घर से निकल के ऐसे स्ट्रांग तहखाने बनाते थे जहां पर वो हफ्तों हफ्तों तक रह पाए और उसी के अपने जान बचाने के लिए वो लोग खुद गोला बारूद रखते थे और खाने का सामान रखते थे कि एक्चुअली उनको 2 हफ्ते भी अगर 3 हफ्ते भी अगर वहां पर रहना पड़े तो वो भूखे ना मर जाए, इसके कारण वो ये सब चीजें यहाँ पर लेके आके रखते थे। और ये चीज जानने के बाद बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं कि पीछे वाली जो जिंदगी होती थी वो सच में काफी ज्यादा डेंजरस रहती थी। अभी जो जिंदगी हम लोगों को मिली हुई है, हम लोग काफी ज्यादा लकी हैं कि हम लोगों को ये जिंदगी मिली है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि उनकी लाइफ इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो पहले डिफिकल्ट लाइफ होती थी। अगर वो इंसान उस लाइफ में चले जाए तो पता नहीं वो क्या करे। तो सुसाइड ये केसेस होते हैं, तो गाइज अगर कोई भी ऐसे सब चीजें आते तो उसको समझाया कीजिए कि लाइफ एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी ऐसे लगता है कि लाइफ इंपॉर्टेंट है तो प्लीज 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।